लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने जनता को दी बधाई, कहा कि किसानों के साल के अंत तक 2 लाख के ऋण हो जाएंगे माफ। इंदौर के एक होटल में होने वाले कार्यक्रम में आ रही पाकिस्तानी कलाकार आरशी खान, कार्यक्रम के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने SSP को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कमलनाथ सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर की गई घोषणा को पहनाया अमलीय जामा, पत्नी माँ और बेटी महज 1100 रुपए में होगी संपत्ति की हकदार। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने जनता को बधाई देते हुए पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सरकार अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। उनका कहना है कि किसानों के साल के अंत तक 2 लाख तक के ऋण माफ हो जाएंगे। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा में लगी हुई है। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान इंदौर के महेश गार्ड लाइन पर समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया गया। इसी मौके पर सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। पत्रकारों से चर्चा में मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के बयान ये बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को शिवराज सिंह चौहान, अपने आप को राजेश सिंह, अपने आप को प्रदेश का नेता बताने के लिए बयान देते रहते हैं। हाल ही में हुए झाबुआ उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस का विधायक बनाया है, जो नेताओं के मुंह पर तमाचा है। उनके आरोप पे तमाचा, सरकार की सक्रियता और सरकार के स्थायित्व पर जो सवाल खड़े करते हैं उस बात पर तमाचा झाबुआ और मध्य प्रदेश की जनता ने मारा है। मैं भरोसा करता हूं कि आने वाले समय में समृद्ध मध्य प्रदेश में वो सब परिवार के लोग जो विपक्ष के सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, इसी आशा के साथ उनको भी बधाई। पहले तो मैंने जैसा शुरुआत में वक्तव्य में कहा कि अतिवर्षा या बाढ़ ग्रस्त या अन्य तरीके से फसल का नुकसान, लगभग 500 करोड़ रुपया गरीबों का, जिनके मकान ढह गए, जो लोग मर गए, जिनके पशु मर गए, जनधन हानि हुई, इसके अंतर्गत अलग अलग जिलों में अलग अलग संख्या के रूप में पैसा दिया गया, राशि दी गई। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपने मत से दी गई। जहाँ तक रिजर्व फंड का सवाल है, उसी की मांग हो रही है और ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर की नुकसानी का आंकलन करके केंद्र का हमारा जो इस तरह के दल आता है उसने सर्वे किया और उसके अंतर्गत जो आंकलन हुआ उसके अनुसार हमने जिले वाइज व्यवस्था करके संख्या बता के ये सब मिला जुला। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश की मुखिया कमलनाथ ने पत्र दे दिया है लेकिन सरकार राहत राशि नहीं दे रही है। उनका कहना है कि प्रदेश में 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा हल्ला मचा रही है कि आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे देने की सरकार की मंशा है, प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने की अंडे को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। ये दो बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विचार चलता है, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, कैसे उठोगे, कब वंदे मातरम बोलना है, कब देश काम बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये हमारा अपना खाने पीने का अपना अधिकार। यहाँ तक प्रश्न है आपका कि मूल भावना है कि बच्चों को कुपोषण से बाहर आएगा। मध्य प्रदेश में खासकर हमारे ग्वालियर संबल संभाग में कुपोषण से बड़ी बड़ी कहानियां बनी और बड़े बड़े ये दाग ये कलंक है मध्य प्रदेश के माथे पे, इसको हमें निकलना। जरूरी नहीं कि अंडे कंपल्सरी बच्चों को किए जाए, पर जरूरी है कि कुपोषण से हम बाहर कैसे बच्चों को लेके आए। इसके लिए माता पिता की सहमति से या वो लीगल तरीका जिससे जिसको जो खाना है उस प्रोसेस में सरकार की मंशा है। जोर जबरदस्ती किसको खाने पर, किसी को पिलाने पर, किसी रूप में किसी प्रकार की ये सरकार की मंशा नहीं है। तो उन पर फोकस होगा जहाँ ज्यादा हानि हुई, फिर अतिवर्षा से जो फसलें कम हुई उसका आकलन होगा। पर मैंने 12,500 करोड़ रुपए का लगभग आपको आंकड़ा मिला जुला बताया। तो ये मुद्दों की मूल भावना ये है कि सरकार केंद्र की हमारे अधिकार, हमारी मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप क्यों सूंघ गए इनको, सवाल ये। इंदौर के होटल प्राइड में होने वाले हैलोवीन कार्यक्रम में आ रही पाकिस्तानी कलाकार आरशी खान के कार्यक्रम के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा इंदौर महानगर द्वारा SSP को ज्ञापन दिया गया।
पाकिस्तान के द्वारा लगातार हिंदुस्तान पर की जा रही गोलीबारी और भेजे जा रहे आतंकवादियों के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में आमंत्रित किया जा रहा है। बाईपास स्थित होटल प्राइड में 1 नवंबर को होने वाली हेलोवीन मॉडर्न लाइट्स को बंद करने की मांग को लेकर आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा SSP रुचिवर्धन मिश्र के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई कि ऐसी पाकिस्तानी कलाकार जो अश्लीलता की हद पार करते हुए उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर के फोटो अपने खुले शरीर पर लगाकर नग्नता का प्रदर्शन किया और बिग बॉस में भी उसने अपने भारत देश के खिलाफ बोला, ऐसे पाकिस्तान द्वारा अपने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद की गतिविधियां थम नहीं रही हैं और ऐसे में ऐसे गंदे कलाकार को बुलाकर मां अहिल्या की पावन नगरी को अपवित्र करने के समान है। ऐसे आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई कर ऐसे अश्लील आयोजन पर रोक लगाई जाए। सभी ने चेतावनी दी है कि ऐसे आयोजन पर रोक नहीं लगाई तो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा उग्र प्रदर्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। हेलो इंदौर, दिस इज आशी खान और मैं आ रही हूँ 1 नवंबर हेलोवीन पार्टी में होटल इन हॉरर एट द रेट आफ्टर ऑस क्लब एंड लाउंज फ्राइड होटल। सो गाइज, आई विल बी देयर एंड लव यू ऑल, लव यू माय अवाम, सी यू ऑल देयर। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ASP से ज्ञापन देकर मांग की गई कि ऐसे कलाकारों को इंदौर में ना आने दें जिनसे कि पूरे समाज को और देश में गंदा मैसेज जाए। वो ऐसी कलाकार, अश्लील कलाकार जो पाकिस्तान का सपोर्ट करती है और पाकिस्तानी होकर उसने हमेशा शाहिद अफरीदी और इनके क्रिकेटरों के नग्न शरीर पर फोटो लगा है, उसकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सारी जानकारी मिली थी और हमने जब आयोजकों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी कि इस तरह के कलाकारों को ना बुलाए जिससे कि समाज और देश का नग्नता का प्रदर्शन करें। अभी बीच में गोवा और पुणे में वो प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ाई थी, तो ऐसे कलाकार अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं समाज का युवा एक गलत दिशा की ओर जाएगा। यदि अगर शाम को इसका आयोजन होता है तो किस प्रकार का आपका विरोध? चेतावनी दी है उन्हें, अगर आयोजन होगा तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, उसको काले झंडे दिखाएंगे और उसका विरोध करेंगे, गो बैक पाकिस्तान इस तरीके से। हम लगातार जैसे हम रिलीज के पहले भी एक गायक कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जाकर उन्हें अपने हिंदुस्तान का जो कलाकार जिन्होंने गाना गाया था लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने उसका और उसके गाने पर बैन भी लगा दिया गया है, तो ऐसा है क्यों नहीं कि वहाँ का कलाकार जब यहाँ आ रहा है तो उनके ऊपर बैन क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम गृह मंत्री से मांग करेंगे कि पाकिस्तानी कलाकारों, क्योंकि जब वो अपना कभी उनने भला ही नहीं सोचा, हिंदुस्तान का हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ ही रहा, तो ऐसे कलाकारों पर बैन लगाया जाए और इनको जो इंदौर में जो हिंदुस्तान में से कलाकार है उन्हें बाहर किया जाए यहाँ से। ऐसी मांग हम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से करेंगे हमारे मोर्चे के माध्यम से। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर कमलनाथ सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर की गई अपनी एक और घोषणा को अमलीय जामा पहना दिया है। अब पत्नी, माँ अथवा बेटी महज 1100 रुपए में कानूनी रूप से संपत्ति की हकदार होगी। शुक्रवार को पंजीयन कार्यालय में सरकार की इस घोषणा को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस मौके पर नाम मात्र के दस्तावेजों पर महिलाओं ने रजिस्ट्री करवाई। संपत्ति मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि कमलनाथ सरकार एक बार फिर अपने वादों पर खरी उतरी है। नए नियम के तहत अब एक दिन की बिटिया भी कानूनी रूप से संपत्ति की अधिकारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। शासन भी हुआ परंतु कुछ ड्यूटी को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिसका स्पष्टीकरण 26 अक्टूबर 2019 को पत्र में वित्त सचिव ने किया, जो महिलाओं के लिए अपनी पत्नी और बेटी के लिए सह स्वामित्व का जो अधिकार कमलनाथ जी ने दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से इससे मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण की ओर जो उठाया गया कदम है, ये इससे महिला सशक्तिकरण होगा। आज के अवसर पर जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का अवसर है उसकी मैं बधाई देता हूँ प्रदेशवासियों को। और आज जिन बेटियों के डॉक्यूमेंट्स आज यहाँ पंजीयन हुआ है उन सब बेटियों को भी बधाई देता हूं और ये पूरे प्रदेश में एक सभी जो बेटियां और पत्नी इन सबको जो अधिकार मिला है इससे निश्चित रूप से एक नई क्रांति का उदय हुआ है। और पूर्व की जो सरकारें थी जो सिर्फ घोषणा करती थी और आज कमलनाथ की सरकार है कि जो जो वादे किए हैं जो जो वचन किए हैं वचन पूरा करने वाली सरकार के रूप में आज प्रदेश में कमलनाथ जी को जाना जा रहा है। मध्यम वर्ग जिसको आज तक कभी किसी भी सरकार के द्वारा लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा था, इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 150 यूनिट तक का जो बिल है उससे प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवारों को जो लाभ मिल रहा है उससे चारों ओर लाभ की लहर है और लोग हमको बधाइयाँ दे रहे हैं कि कमलनाथ जी का ध्यान प्रदेश के सभी देशवासियों की ओर है। मैं आज के इस अवसर पर भाई प्रमोद द्विवेदी जी और सभी वकील साथियों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने यह अवसर दिया कि हम आप लोगों से के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को जागरूक कर सकें। 5 व्यक्तियों की आज
ऐसे लोगों की हमने रजिस्ट्री से शुरुआत की है, जैसे हुकम चंद कॉलोनी में मैडम शर्मा, इनके पति के पास संपत्ति कर की रसीद थी। सन 1983 में हुकम चंद कॉलोनी बसी, किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रियां नहीं थी। हमने कानून में प्रावधान कराया कमलनाथ जी की सरकार में, हमारे विधायक और मंत्रियों ने लगातार इसमें प्रयास किए हैं। उसके आधार पर संपत्ति कर और बिजली का बिल भी अगर है तो आप प्रॉपर्टी में अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को सहस्वामी बना सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बेटी बालिग होना चाहिए, ये मेरी बेटी है, 3 साल भी नहीं पूरे हुए। अगर बेटी है तो कल है, अगर नारा आप दे रहे हैं तो उसे सार्थक करें। जन्मदिन के दिन भी, पहली जन्मदिन के दिन या अस्पताल में भी सहस्वामी बना करके आप अपनी बेटी का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने जन्मदिन से लेकर के विवाह तक के लिए यह सबसे बड़ा सौगात दी है। इसमें यह आवश्यकता नहीं है कि आपके पास रजिस्ट्री होना आवश्यक है। जिस तरीके से चिड़िया एक एक तिनका जोड़ करके घोंसला बनाती है और घोंसले को पनाह पेड़ देता है या मकान की छांव देती है, ठीक उसी प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों उन गरीब मजबूम लोगों को पनाह देने का काम करने जा रही है, जिनके पास मकान है लेकिन दस्तावेज नहीं है। इंदौर में ही 919 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो नोटरी पर लोग बसा करके चले गए। कांग्रेस केवल आज रुकेगी नहीं, आज से तो हमने बुनियाद डाल दी है, आज से हमने संकल्प डाल दिया है, आज से नल नील बनकर के हमने पत्थर फेंक दिया है। ये पुल बनेगा और इंदौर में वो लाखों लोग जो दस्तावेज के बिना प्रताड़ित होते थे। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए एक अच्छी सौगात दी है, महिलाओं और बच्चों के लिए, जो स्वामी अपनी प्रॉपर्टी में बच्ची को भी बना सकते हैं और पत्नी को भी बना सकते हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। भले करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो, वो 1100 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सेदारी बना सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में करोड़ों रुपये खर्चा आने के बाद प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं बन सकते। शादी होने के बाद बहुत परेशानी आती थी, परंतु ये अदानी कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी है, इससे आज ही छोटी उम्र में ही नाबालिग की उस उम्र में ही आप उसको स्वामी बना देते हैं, ये प्रदेश के लिए महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी गई। इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा और प्रदेश में आज स्थापना दिवस उसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज सागर जिले के थाना गढ़ा कोटा ने मुख्य बस स्टैंड स्थित नगर भवन नगर पालिका में आगामी आने वाले अयोध्या मामले के फैसले को लेकर शांति समिति की बैठक की। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुराग पांडे, SDM शशि मिश्रा, नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया आदि मौजूद थे। बैठक में SDOP अनुराग पांडे ने कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काता है तो पुलिस को तत्काल सूचित करें। SDM शशि मिश्रा ने कहा कि जो लोग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काएं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस को बताएं ताकि समय रहते पुलिस उसको रोक सके। उन्होंने कहा कि गढ़ा कोटा नगर शांत प्रिय नगर है, यहाँ के लोग समझदार हैं। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। नगर पालिका में हमने आगामी एक शांति व्यवस्था की, सामान्य गणमान्य नागरिकों, पत्रकार, सभी बंधुओं के साथ में हमारी शांति व्यवस्था के लिए मीटिंग थी। एक स्पेसिफिक कारण भी था जो आगामी निर्णय आने वाला है उच्चतम न्यायालय का, उसके संबंध में एक शांति व्यवस्था के लिए मीटिंग रखी गई। आगामी आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु आज गणमान्य नागरिकों की बैठक ली गई, जिसमें SDM महोदय उपस्थित रहे एवं उनके नेतृत्व में सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की। मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। वहीं शाजापुर के काला पीपल में भी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम जनपद पंचायत में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक कुणाल चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण कर की गई, साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन विधायक कुणाल चौधरी ने किया। यहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले काला पीपल तहसीलदार राजा राम करजरे, नगर परिषद कर्मचारियों सहित शासकीय शिक्षकों का विधायक कुणाल चौधरी ने स्वागत किया। वहीं कर्मकार मंडल योजना अंतर्गत विवाह सहायता के 17 नवविवाहितों को 51,000 के कुल 8,67,000 रुपए के चेक वितरित किए।
काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो 64 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, पंडित नेहरू ने जिस विचार के साथ, जिस समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ बेहतर काम करने के लिए मध्य प्रदेश की स्थापना करी थी, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी उनके अनुभव के आधार पर, उनकी दूरदृष्टा के आधार पर मध्य प्रदेश के नौजवानों के रोजगार, किसानों की कर्जे माफी से लेके बेटियों की शादी से लेके हर तरफ एक विकास का आयाम नया कर रहे हैं। आप सबको मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। हम भी इस मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में अपना योगदान दें, बेहतर मध्य प्रदेश बनाए, आए खुद का विकास करें, इस मध्य प्रदेश का विकास करें। इसी साथ हमने पूरा संकल्प लिया और काला पीपल और पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस के कार्यक्रम। वहीं उद्योग को लेकर एक इंदौर में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, तो देखिए मैग्निफिशेंट मध्य प्रदेश, जिसका एक मध्य प्रदेश में ये कमलनाथ जी की सोच और एक नज़रिया और उनका अनुभव और उनके व्यक्तिगत तौर पे जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी, वैश्विक उनकी जो छवि है, और उसी का नतीजा था कि पहले की इन्वेस्टर समिटों में जिससे इससे 10-10 गुना ज़्यादा खर्च हुआ करता था पर उसका रिजल्ट नहीं मिला करता था, आज मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर जो संभावनाओं को तलाशने के लिए पूरे प्रदेश के बड़े बड़े उद्योगपति आए, उन्होंने और MOU के साथ नहीं किया, सीधे स्पष्ट काम के ऊपर काम की बात हुई, कई उद्योग लगना चालू हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारी मांग थी कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को 70% रोजगार आपको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी करा गया। यही सोच, यही विचार कि अच्छे उद्योग लगेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और मध्य प्रदेश का विकास बेहतर होगा। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम हुआ और यही दूरदृष्टा और यही अनुभव और यही सबसे बड़ी वैश्विक जो सोच है वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।